एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंस नेस्ट। मैं रूबी सेन। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हैं। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और हमारी जर्नी यहीं पे एंड होती है और हम लोग अभी लौट रहे हैं, एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। और देखिए आसमान कितना क्लियर है। हैदराबाद एयरपोर्ट बहुत ही वेल डेकोरेटेड है, बहुत सारे शॉप्स हैं। सभी कुछ मैं आपसे शेयर करूंगी, तो वीडियो को टिल एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और कमेंट्स कीजिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आप लोग का कमेंट्स मुझे बहुत ही इंस्पायर और एनकरेज करता है। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज पे भी। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है साड़ी हंड्रेड और मेरा फेसबुक पेज है सेंस नेस्ट। और ये देखिए फिश वाली बिल्डिंग, ये एक लैंडमार्क है हैदराबाद का। और ये एक ऑफिस है। और आपसे बातें करते करते देखिए हम लोग एयरपोर्ट भी पहुंच गए, तो चलिए देखते हैं। एयरपोर्ट के बाहर बहुत ही ग्रीनरी है और बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन्स है। मैंने सामान ट्रॉली में लोड कर दिया है और चलिए अब अंदर चलते हैं। और देखिए यहाँ पे चेकिंग हो रहा है और ये है बाहर का नज़ारा एयरपोर्ट का। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। और ये देखिए जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड को देखते ही मुझे भैरवी की याद आती है। भैरवी का ट्रांसफ़र हो गया है और वो दूसरी जगह चली गई है रहने के लिए। सो भैरवी, आई मिस यू। हमारा वेब चेकिंग किया हुआ है, इसीलिए अभी डायरेक्ट हम लोग सिक्योरिटी चेकिंग के लिए जाएंगे। सिक्योरिटी चेकिंग हो गई है और देखिए कितने सारे शॉप्स हैं यहाँ पे। ज़्यादातर शॉपर स्टॉप्स हैं और जितने भी ब्रांडेड शॉप्स हैं सभी कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। सो आप लोग एंजॉय कीजिए।
के कितने सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, जिसको भी जो पसंद है, टेस्ट ऑफ इंडिया नूडल्स हैं, इडली के लिए है इडली फैक्ट्री एंड मेनी मोर। आपको जो भी पसंद है साउथ इंडियन या नॉर्थ इंडियन डिशेस आप ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, आप खुद ही रेस्टोरेंट में जाके अपना खाना ले सकते हो। और देखिए हमारा बिरयानी आ गया, बहुत ही टेस्टी है बिरयानी। लंच करने के बाद हम लोग गेट नंबर पे प्रोसीड करने लगे। और देखते ही देखते हम लोग की फ्लाइट टाइम भी हो गई और हम लोग बस में बैठ गए। और ये है हमारी फ्लाइट स्पाइस जेट। और इस बार हम लोग को लास्ट वाली सीट मिली थी। और देखिए यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है, विंडो से आसमान बिल्कुल साफ है। और देखिए हमारी फ्लाइट टेक ऑफ करने लगी। बाय बाय हैदराबाद, फिर मिलेंगे। देखते ही देखते देखिए हम लोग आ गए बादलों के देश में। कितना सुंदर नज़ारा है ये। और डेढ़ घंटा भी हो गया और हम लोग लैंड भी कर गए झारसुगड़ा एयरपोर्ट में। और देखिए नज़ारा। और फिर से हम लोग बस में बैठ गए और अभी हमें लगेज कलेक्ट करना है फ्रॉम बेल्ट। और सामान लेने के बाद ट्रॉली लेके हम लोग एयरपोर्ट के बाहर निकले। और इस तरह हमारी जर्नी एंड होती है। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा और एक लाइक दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड।